करंट की चपेट में आकर अचेत हुआ हाथी 14 घंटे के बाद स्वस्थ होकर जंगल की ओर चला गया। करंट की झटके से बेहोशी की हालत में खड़े हुए हाथी को सामान्य अवस्था में लाने में वन और पशु चिकित्सा विभाग के पसीने छूट गए। पशु चिकित्सक डॉक्टर सुधीर मिस ने बताया कि 11 केवी करंट का झटका लगने से हाथी शुरू में बेहोश हो गया था। कुछ देर में उसे होश तो आ गया, लेकिन दिमाग और शरीर सुन्न हो जाने से वह हिलडुल नहीं पा रहा था। हाथी की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसे पानी पिलाना था ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो। पानी की व्यवस्था की जा रही थी। इस बीच उसे 4 दर्जन केले के पत्ते और तना खाने के लिए दिया गया। केला में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसे खाने से हाथी के शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाई और शरीर को मिली ठंडक ने उसके शरीर और दिमाग को राहत भी पहुंचाया। करंट से पीड़ित हाथी को साग की स्थिति में बाहर निकालने के लिए पशु चिकित्सकों ने उसे एविल और दर्द से राहत देने वाली टेबलेट देने का निर्णय किया। सबसे बड़ी चुनौती हाथी को इन दवाओं को खिलाने की थी, क्योंकि हाथी साग की स्थिति में खड़ा हुआ था, बेहोश नहीं था। दवा खिलाने के दौरान उसके आक्रमण का खतरा था। वन कर्मियों ने मशक्कत के बाद केले में मिलाकर हाथी को एविल और दर्द निवारक 40 टेबलेट खिलाया। टेबलेट खाने के 2 घंटे बाद ही हाथी शौक की स्थिति से बाहर निकला और चिंघाड़ता हुआ जंगल के अंदर चला गया। हाथी के सुरक्षित जंगल लौटने से वन और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार की तड़के दल से अलग होकर भटक रहा था। एक नर हाथी जिले के तपकरा रेंज के गांव में बिजली के खंभे को तोड़ने के चक्कर में करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद यह हाथी जंगल के किनारे अवचेतन अवस्था में 14 घंटे तक खड़ा रह गया था। इस दौरान वह चल फिर नहीं पा रहा था। हाथी को देखने के लिए घटना स्थल पर भारी भीड़ जुट गई थी। इसे नियंत्रित करना भी अधिकारियों के लिए कठिन हो रहा था। दवा के असर से हाथी को कुछ ही घंटे में होश आ गया था। सामान्य स्थिति में आते ही गजराज ने अपने पास खड़े हुए पानी के टैंकर को निशाना बनाया, अपने दांत से जोर से धक्का देकर उसे पलट दिया। हाथी के इस आक्रामक रूप को देख मौके पर उपस्थित वन और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान हाथी तेज से दौड़ते हुए जंगल के अंदर घुस गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।